गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मॉरल साइंस टीचर शादमा मैम, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी नाइस स्टोरी अबाउट अ लिटिल रेड हैन। सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द लिटिल रेड हैंस ब्रेड। बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, कैन यू टेल मी दैट व्हाई हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट? हार्ड वर्क, यू अंडरस्टैंड, मेहनत इंसान के लिए ज़रूरी क्यों होती है? Because only through hard work we can achieve success in life. अच्छा, tell me one more thing. How do you feel when you work very hard for something and achieve a good result? You feel happy ना? अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और हमें अच्छे results मिलते हैं तो definitely we feel a satisfaction, we feel happy. So hard work is very very important in life. So now let's start our story. On a farm, a hard-working little red hen lived with her three friends, a duck, a cat, and a dog. So एक लाल रंग की hen थी, hen means मुर्गी. So he used to live on a farm. और उसके तीन best friends थे, they were the duck, the cat, and the dog. All her friends were very lazy. बहुत ज़्यादा आलसी थे तीनों. One day, the little red hen was scratching in the farmyard when she found some grains of wheat. तो hens they usually used to scratch the mud. We have seen that. बहुत बार हमने देखा है ना, मुर्गियाँ क्या करती हैं अपने पंजों से, कोई भी अगर कहीं पे भी मिट्टी पड़ी होती है या उनको कहीं पे लगता है ग्रेन्स हो सकती हैं तो उसको स्क्रैच करना स्टार्ट कर देती हैं. सो इन द सेम वे दिस लिटिल रेड हैन वॉज ऑल्सो स्क्रैचिंग इन द फार्म यार्ड, और तभी उसे कुछ गेहूं के दाने मिलते हैं. हु विल प्लांट द ग्रेन्स ऑफ वीट, सेड शी. सो फिर जब उसे ग्रेन्स मिल जाते हैं वीट के, तो वो क्या पूछती है कि अब इन्हें प्लांट कौन करेगा, इन्हें बोएगा कौन? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. So, तीनों ने ही मना कर दिया. कोई भी तीनों में से ना डॉग तैयार हुआ, ना कैट तैयार हुई, और ना ही डक उन सीड्स को सो करने के लिए तैयार हुआ. Very well then, said the little red hen. I will. So she planted the grains of wheat. तो जब तीनों फ्रेंड्स ने मना कर दिया तो लिटिल रेड हैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं करूँगी. सो शी प्लांटेड द ग्रेन्स ऑफ वीट. आफ्टर सम टाइम द वीट ग्रो टॉल एंड राइप. कुछ समय बाद जब गेहूँ बन के तैयार हो गया, पक गया, राइप मीन्स पक गया वो, और पेड़ भी उसके पौधे भी बड़े हो गए, देन हु विल कट द वीट, आस्क द लिटिल रेड हैन. तो जब गेहूं बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गया, कटने का समय आ गया, तो फिर से उस लिटिल रेड हैन ने पूछा कि अब इसको कट कौन करेगा? नॉट आई, सेड द डक. नॉट आई, सेड द कैट. नॉट आई, सेड द डॉग. और फिर से उसके तीनों फ्रेंड्स ने मना कर दिया. वेरी वेल देन, आई विल, सेड द लिटिल रेड हैन. सो शी कट द वीट. अब तीनों में से कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो फिर से लिटिल रेड हैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं करूँगी, एंड शी कट द वीट. नाउ सेड द लिटिल रेड हैन, हु विल थ्रैश द वीट. अब जब उसकी थ्रैशिंग का वक्त आया, थ्रैशिंग मीन्स के गेहूं के दानों को फसल में से अलग करने का टाइम आया, ठीक है, उसको पेड़ में से जो उसका पौधा होता है उसमें से उसको सेपरेट करने का टाइम आया, बीज को अलग करने का टाइम आया. तो फिर से उसने क्वेश्चन किया कि नाउ हु विल डू दिस वर्क, अब इनको अलग करने का काम कौन करेगा? तो नॉट आई, सेड द डक. नॉट आई, सेड द कैट. नॉट आई, सेड द डॉग. और फिर से उसके तीनों फ्रेंड्स ने मना कर दिया. वेरी वेल देन, आई विल, सेड द लिटिल रेड हैन. सो शी थ्रेश्ड द वीट. अब तीनों ने मना कर दिया, तो फिर से लिटिल रेड हैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं करूँगी, और उसने फिर से गेहूं के दानों को भी अलग करने का काम अकेले ही कर लिया. When the wheat was threshed, she said, Who will take the wheat to the mill to have it ground into the flour? So, अब गेहूं आ गया, फसल में से गेहूं भी निकाल लिया, अब
उस गेहूं को पिसने के लिए चक्की पे लेकर के जाना था। मिल मींस चक्की, जहां पे गेहूं पीस करके आटा बनाया जाता है। तो उसने फिर से पूछा कि अब ये काम कौन करेगा कि गेहूं को मिल पे ले जा करके उसका आटा बनवाना है। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। और फिर से तीनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी थे डॉग कैट एंड डक, फिर से तीनों ने ही मना कर दिया। वेरी वेल देन आई विल सेट द लिटिल रेड हैन। सो अगेन एज वी कैन सी दैट लिटिल रेड हैन शी हैड डन ऑल द वर्क अलोन। इस बार भी उसने ये काम अकेले ही किया, वो चक्की पे ले जा करके उन गेहूं का आटा बनवा के भी ले आई। व्हेन द फ्लावर केम फ्रॉम द मिल शी बेक्ड अ लवली लूफ ऑफ ब्रेड। अब जब आटा आ गया, चक्की से लेकर के आ गई वो, तो उसने उस आटे से ब्रेड बनाई। देन शी सेड हु विल ईट द ब्रेड। अब उसने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि अब इस ब्रेड को खाएगा कौन। ओह आई विल सेट द डक, ओह आई विल सेट द कैट, ओह आई विल सेट द डॉग। इस बार तीनों के ही रिस्पॉन्स बहुत ही डिफरेंट आए, तीनों ही उस ब्रेड को खाने के लिए रेडी थे। मींस जब काम का समय था तो सब ने मना कर दिया था, बट जब ब्रेड तैयार हो गई तो सब ने उसको खाने के लिए हामी भर दी, सब रेडी थे उसको शेयर करने के लिए। ओह नो यू वॉन्ट सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। सो इस बार लिटिल रेड हैन ने मना कर दिया। उसने क्या बोला कि नाउ यू विल नॉट शेयर इट, आई विल शेयर इट, बिकॉज शी हैज़ डन ऑल द वर्क राइट फ्रॉम सोइंग द सीड्स टिल कटिंग इट एंड टर्निंग इट इन टू फ्लावर देन बेकिंग द ब्रेड। सारा वर्क किसने किया था, लिटिल रेड हैन ने किया था। सो इस बार उसने कहा नो यू वॉन्ट एंड आई विल ईट इट। हुएवर वर्कड टू मेक द ब्रेड विल गेट इट, नन ऑफ यू हेल्प्ड मी इन मेकिंग द ब्रेड। तो इस बार उसने क्या कहा कि अब जब सारा काम भी मैंने किया है तो इसे खाऊंगी भी मैं ही, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी थी इस ब्रेड को बनाने में, सो यू विल नॉट गेट द शेयर। एंड शी कॉल्ड हर चीक्स एंड शेयर्ड द ब्रेड विद देम। और उसने अपने चीक्स को बुलाया, अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और उनके साथ ब्रेड को शेयर किया। So the moral of the story is that if you will work hard, definitely you will get a good result. But obtaining a good result will definitely take a time. अब ऐसा नहीं है कि हमने वर्क करना स्टार्ट किया हमें तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ता है, कुछ टाइम लेता है। जितना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस अच्छे रिजल्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे कि हैन ने जब हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया था, उसने सीड्स को सो किया था, तो तुरंत ही उसको ब्रेड तो नहीं मिल गई थी। उस सीड्स को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा होगा, फिर उसकी कटिंग में भी टाइम लगा होगा, फिर उसने उसमें से दाने निकाले उसमें भी टाइम लगा होगा, फिर उसको आटे में टर्न किया, फिर ब्रेड को बनाया, तो इन सब में थोड़ा टाइम लगा। बट She definitely got a good result. So if we will work hard, we will surely get good result. If you will study well, if you will study honestly, you will work hard for your examination, definitely you will get good marks. So I hope you enjoyed this story. Thank you. Have a nice day.